से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम मोहतरम? मेरा नाम मोहम्मद नवीद अमजद। आपकी तालीम? मेरी तालीम जो है MBA। स्कूल का नाम? सुहेल स्कूल सिस्टम। कितना अर्सा हो गया इस स्कूल को? तकरीबन जो है 4 से 5 साल हो गए इसको। तो किस तरह शौक हुआ आपको स्कूल खोलने का? मुझे शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने का शौक़ था, तो इस शौक के साथ साथ मैं कहा क्यों ना इलम की शमह को आगे जलाया जाए और आगे लोगों में इलम को बांटा जाए, इसलिए शौक़ के तहत मैं आगे इसमें इस फील्ड में आया। तो खानदानी भी आपका ये शोबा? नहीं, खानदानी शोबा नहीं, सिर्फ मैं ही इस फील्ड में हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि बच्चों के वालदैन आते हैं आपके पास? जी, बच्चों के वालदैन आते हैं। कुछ वालदैन बहुत कॉन्शियस हैं अबाउट अपने बच्चों की स्टडी के मतलब, लेकिन कुछ वालदैन जो हैं उनको ख़ुद बुलाकर बताना पड़ता है कि आपके बच्चे में कमियां हैं, ये दूर करें, अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, ये कुछ बताना पड़ता है, मिक्स समझ लें। तो कहाँ तक स्कूल आएगा? हमारा स्कूल जो है वो है मिडल तक। स्टाफ की कम अज कम तालीम जो है BA। माशाल्लाह। अच्छा सर, एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छे उस्ताद के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो बच्चे की साइको को समझे, बच्चे की जो कमियां हैं उनको देखे, उनको पूरा करे और उनके मुताबिक उनको स्टडी करवाए कि बच्चा किस लेवल तक है, उसके लेवल को बढ़ाने की कोशिश करे। ये है उस्ताद में मेन चीज़ होनी चाहिए। कोई पैगाम दें बच्चों के वालदैन को अपने स्कूल की तरफ? मेरा वालदैन को ये पैगाम है कि वो अपने बच्चों के पीछे ज़रूर जाएं, उनका चेक एंड बैलेंस करें, बिल्कुल टीचर पे रिलाई नहीं करें, खुद चेक करें बच्चों को, छोड़ने खुद जाएं, लेने खुद जाएं। आपके बच्चे हैं, ये कौम का सरमाया है, ये आपका मुस्तकबिल है, इनकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इनका चेक एंड बैलेंस करें, आपका बच्चा स्कूल से क्या एक्टिविटी सीख के आ रहा है, क्या करके आ रहा है और क्या कर रहा है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी तो नहीं कर रहा, पॉजिटिव एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है, अपने बच्चे पे मुकम्मल फोकस करें। अगर वो कुरान पाक की तालीम हासिल करने जा रहा है तो कम अज़ कम आप उससे सुने ज़रूर। आप अपने बच्चे को ये मत दिखाएं कि हम अनपढ़ हैं, हम आपका पीछा नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को ये दिखाएं, सुने उनसे, पूछें कि हमें आता है, आप बताओ आप क्या सीख के आए हो। इस तरह बच्चे में ये शऊर पैदा होगा, वो बताएगा कि मैं क्या सीख के आया हूँ। इस तरह आप जजमेंट कर सकते हैं कि आपका बच्चा अच्छी तरफ जा रहा है या बुरी तरफ जा रहा है। ये मेरा पैगाम है अपने बच्चों।